रेडी रेडी स्टडी गो आदित्य लूजर आवर इसका ब्रेन विनर कैसा लगा आदि तुमको हार कर अपना हार अपने, अपने सामने देखते हुए कैसा महसूस हुआ आ, कैसा महसूस <गणागी> <गणागी> हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों यहाँ शाम था ना था क्रेती रो रही थी क्रेसी तो नीचे चला गया था पहले तो कृति रो रही थी फिर उसको भी ले गए थे नीचे थोड़ा सा कृति भी खेल लेती है नीचे लेकर चले जाते हैं तो अच्छा भी उसको लगता है तो क्रिस तो चला जाता है खुद से प्रकृति को लेकर गए थे और वहाँ खेले और फिर उसके बाद आने के बाद इसके पापा भी है फिर चाय बना कर दिए उसके बाद किचन में यहाँ लग गए और यहाँ हम सब्जी भी काट दिए थे फिर इसके पापा आए तो बोले कि नहीं सत्तू बनाओ सब्जी खाने को मन नहीं कर रहा है तो यहाँ सत्तू यानी ली सत्तू बनाएंगे पहले फिर लिट्टी बनाएंगे तो यहाँ वही हम सत्तू के लिए तैयारी कर रहे थे जबकि सब्जी काट दिए थे तो फिर मना कर दिए तो छोड़ दिए फिर यहाँ देख रही हैं लहसुन छील दिए थे क्योंकि लहसुन अदरक सब इसमें डाल के सत्तू बनता है और यहाँ प्याज भी डालते हैं तो प्याज काट रहे थे यहाँ लहसुन छील लिए थे तो लहसुन सोचे कि वो खल में थोड़ा खान देंगे लहसुन और हरा मिर्च और काली मिर्च भी डालते हैं तो काली मिर्च भी इसमें हम डाल रहे थे और यहाँ काली मिर्च डब्बा में नहीं था तो फिर याद है, अच्छा इसके पापा से मंगाए थे खत्म हो गया तो लाए थे काली मिर्च फिर इसमें हम काली मिर्च डाल रहे हैं और इस सबको थूर लेंगे सब ये खल में हम खान के तब उसमें डालेंगे अदरक तो सोचे कि उसमें घिस देंगे घिसने वाला से तो इसीलिए अदरक नहीं काटे फिर यहाँ हम काटेंगे प्याज और प्याज और काट के यहाँ देखिए प्याज भी काट लिए थे इधर कुकर में हम आलू चढ़ाए थे जो कि आलू के चोखा बनाते हैं कितने लोग तो आलू चोखा को भारता भी बोलते हैं और यहाँ टमाटर रखे थे टमाटर पका के उसमें डालेंगे तो इसमें हो गया मेरा सत्तू में सब कुछ डाल दिए यहाँ तेल और नमक डाल रहे हैं और बहुत अच्छा से इसको मिक्स करेंगे हाथ के मदद से बहुत अच्छा लगता है आप लोग कभी बनाइएगा इस तरह से ना बहुत और इसमें सत्तू में तो अजवाइन और काल, काली काली मंगराइल डालते हैं तो वह भी डाल दिए यहाँ थोड़ा सा धनिया पत्ता भी इसमें काट देंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लिए थे हो गया सत्तू मेरा मिक्स हो गया अब बहुत टेस्टी सत्तू बना था और फिर उसके बाद हम यहाँ आटा लगा लेते हैं और सत्तू के लिट्टी बनाने के लिए आटा थोड़ा काढ़ा ही रहेगा और ज़्यादा मतलब गीला नहीं करेंगे नहीं तो अंदर से लिट्टी ना एकदम कच्चे कच्चे रह जाएगा इसीलिए थोड़ा हम आटा को ना काढ़ा ही साने थे है क्योंकि लिट्टी का ये नियम है लिट्टी बनाइए ना तो आटा थोड़ा काड़ा रहता है ना तो बहुत अच्छा लिटी बनता है और सुंदर टेस्टी बनता है टेस्टी मतलब वहीं अच्छा सीन जाए तो अच्छा भी लगता है तो वही हम यहाँ कड़ा आटा सान रहे हैं है अब आटा सान दिए थोड़ा देर के लिए और थोड़ा देखे कि मेरा दोपहर में जो आटा साने थे रोटी के लिए तो थोड़ा सा तो थोड़ा सा आटा बचा था तो उसकी ये थोड़ा सा प्याज हम कर दिए थे फ्रिज से निकाल दिए आटा रख दिए थोड़ा देर ठंडा भी हो जाए मतलब ज़्यादा ठंडा था नॉर्मल हो जाए तब यहाँ टमाटर पका फिर सोचे की एगो में टमाटर में नहीं होगा तो यहाँ दो टमाटर ले लिए पकाने लगे अब यहाँ आलू निकाल दिए अब आलू छीलेंगे गर्म भी था आलू और ठंडा मतलब ठंडा का ठंडा पानी में नहीं डाले नीचे रखे थे कि ठंडा हो जाएगा अब यहाँ देखिए क्योंकि ज्यादा गर्म था ना तो हाथ से नहीं मेरे से हो पाता गर्म था तो इसीलिए इससे गिलास के मदद से हम ऐसे आलू को मिस रहे हैं और देख रहे हैं छिलते जा रहे हैं मिसने नहीं तो एकदम थोड़ा बहुत बीच बीच में रुक जाना बेटा गरमा-गरम तो अच्छे से लहसुन घिस दिए और कुछ प्याज उसमें रखे भी थे और कुछ इसमें हम काट भी देंगे और यहाँ टमाटर देखिए मेरा टमाटर हो गया है तो इस अच्छे से टमाटर को कर रहे हैं बहुत सुंदर से सब काला काला हटा देते हैं और फिर कितना आदमी तो धुल देते हैं धुलने के बाद टेस्टी उतना नहीं लगता है क्योंकि ज्यादा सब एकदम अच्छे से छोड़ी से हम साफ़ कर दिए थे और मेरा बन गया चोखा फाइनल हो गया तब यहाँ इसके पापा बोले छान दो तो हम सोचे चलो तो ये छान रहे कढ़ाही चढ़ा दिए हैं उसमें रिफाइन डाल दिए हैं और इसमें देखिए अपना सत्तू ऐसे ही गोल गोल बनाकर फिर भरते हैं इसके अंदर सत्तू तो कैसे हम भर रहे थे और इतना सारा भर के फिर उसमें डाल दे रहे होंगे देखिएगा बहुत अच्छा बना था तो और मेरी बेटी फोन वीडियो एडिट कर रहे हैं ना तो यहाँ रो रही है ऐसे कर कर के सारे हम लिट्टी बना लेते हैं बहुत अच्छा और टेस्टी लिट्टी बना था इसके पापा बोल रहे हैं कि आज बहुत टेस्टी लिट्टी भी बना है और सारा लीटी सातु में भर लेते हैं लिट्टी में ऐसे छानते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं आप लोग कभी ऐसे ट्राई करिएगा बहुत अच्छा और सुंदर और टेस्टी बनता है लीटी और यहाँ देखिए कृषि बोला कि हम लिट्टी नहीं खाएंगे तो फिर सोचे कि लो अभी ये। इसका भी प्रॉब्लम ही हो गया तो फिर हम यहाँ तवा चढ़ा दिए रोटी बनाने लगे क्योंकि देखिए वही होता है ना सारा काम करिए बच्चा नहीं खाता है तो मन नहीं मानता है तो हम बोले लिट्टी नहीं खाओगे तो क्या खाओगे तो कह रहे रोटी दूध खा लूँगा थोड़ा मोड़ा तो वही दो रोटी बना दिए कि लोग और फिर क्रिस रोटी दूध खा लिया अच्छा से तो हम खुश भी हो गए कि चलो लिट्टी नहीं खाया तो रोटी खा लिया अच्छा बनाना सफल हो गया अब वही होता है बनाइए बच्चा नहीं खाता है ना तो थोड़ा बेकार सा लगता है और बनाइए बच्चा खा लेता है ना तो बहुत अच्छा लगता है तो इसके लिए हम दो रोटी क्रिस के लिए बना दिए क्योंकि आटा था ही तो रोटी बना दिए नहीं भी रहता फिर भी हम सान के बनाते क्योंकि बच्चे के लिए तो करना पड़ता है खाए या नहीं खाए बनाना तो पड़ता है तो यहाँ बना दिए थे और थोड़ा सा आटा भी बच गया था जो कि हम फ्रिज में रख दिए थे और यहाँ देख रही हैं ये रोटी मेरा बन गया तो उसको दूध और रोटी के उसको खिलाएंगे और काम तो कर लिए थे यहाँ सारा थोड़ा मोड़ा करना था कि और देखिए इसमें दूध डाल रहे हैं और दूध इसके पापा को भी देंगे गर्म करके और कृति को भी पिलाएंगे तो इसमें दूध है और पानी भी और यहाँ हम रोटी तोड़ देते हैं और इसमें दूध डाल देंगे और अच्छा से खा लिया यहाँ देखिए मेरा फाइनल सारा काम हो गया है तो फिर यहाँ हम इसके पापा के लिए दूध गर्म कर रहे थे क्योंकि उस समय गर्म किए थे नहीं पिए थोड़ा देर हो गया तो बोले गर्म करके थोड़ा दे दो तो वहीं गर्म करके दे रहे थे यहाँ पानी भी गर्म कर रहे हैं और फिर पानी पीने के लिए गर्म कर रहे थे क्रीस मांग रहा था उसको पापा भी मांग रहे थे तो यहाँ गर्म पानी दे देते हैं क्योंकि सबको सर्दी जुकाम हुआ है ना तो गर्म ही पानी अगर पी रहे हैं मतलब एनी टाइम गर्म पानी पीना भी चाहिए बच्चों को भी देना चाहिए ताकि तो ठीक रहता है ठंडी ना तो गर्म ही पानी है। हम तो पीते हैं गर्म ही पानी पूरे ठंडी और बच्चों को भी देते हैं क्रिस तो मेरा ज़्यादा ठंड गर्म पानी नहीं पीता है एकदम इसको बस नाम के गर्म हो रहना चाहिए उसमें थोड़ा ठंडा नहीं रहेगा एकदम नॉर्मल ये थोड़ा सा भी गर्म थोड़ा ज़्यादा रहता है तो नहीं पीता है तो वहीं यहाँ हम कर रहे थे पानी और पानी दे देंगे और दूध भी गरम सबसे लास्ट काम यही होता है इतना सारा काम करके तब जाके सोते हैं क्योंकि किचन का पूरा क्लीन किए हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि कितना क्लीन किचन लग रहा है इतना सब किए हैं अब उसके बाद आया है मेरा सोने के बारे सोने के भी नहीं अभी इन लोग के मालिश भी करते हैं क्योंकि तेल पकाए है। हुए हैं तभी ये भी वीडियो दिखाएंगे कि तेल कैसे पकाते हैं तेल पका कर इन लोग को लगाते हैं दोनों को क्रीस को कृति को तब जाके सोते हैं मालिश करने के बाद अ देखें यहाँ दूध दे रहे हैं दूध में हम गुड़ डाल रहे हैं गुड़ डालकर गुड़ वाले दूध पूरे ठंडी चलता है हम लोग को चीनी तो एकदम अब बंद हो गया पूरे गुड़ गुड़ के चले हेलो गाइज़ देखिए रात को साढ़े दस हो रहा है मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया बच्चों के दूध से माले से ए टू जेड काम कर दिए काम कर दिया मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था मैं अपने सर पे भी तेल रख ली हूँ और बच्चों को भी सब मालिश वालिश भी कर दिए हैं दूध पिला दिए सारा काम निपटा लिए हैं अब बस सोने सोने का है सोचे आप लोग से थोड़ा बहुत बातें कर लें क्योंकि अच्छा लगता है आप लोग से बातें करना हमको बहुत अच्छा लगता है पहले तो हम काफ़ी अकेला अकेला महसूस करते थे अब ये था कि बच्चों लोग में करना धरना अब ले सो जाते हैं ऐसे क्या है थोड़ा मोड़ा बात कर लो अच्छा लगता है मेरे को और क्रिस क्रिस, -क्रिस अभी जगह हैं अभी नहीं सोए हैं क्या हो गया इधर आओ में में आ मैं आ <laughs> को देख लो बदमाशी गुड नाइट बोल दो देखिए देखिये आ जा बेटा आ जा इधर देखिए ये भी छिप रही है ये भी भैया को देख देख के सीख रही है हाँ कह दो हेलो हाय कर दो हाय सोने जाएगी सोएगी हाँ? सोएगी है हाँ? मामी का किसी दे दो थैंक यू बहुत प्यार से किसी देती है हाँ अब इन लोगों को सुलाएंगे तब मेरे को नींद भी नहीं आएगा जब इन लोग नहीं सोएंगे ना तबले हम ताकते रहेंगे अब टेंशन आता है बच्चे सो जाए तो अच्छा लगता है और इसके पापा भी उधर जगह हैं मोबाइल में हैं अपने भीड़े हैं हम अपने आप लोग से बातें कर रहे हैं क्या करें है? कृति ये क्रीस देखो कृतिया ये को आप जलन होगा <laughs> क्रिस खाना, खा खाना खा लिया क्या खाया हाँ खाना खा लिया क्या खाया कुछ नहीं खाया ऐसे ही है ओ माय गॉड क्रीस खाना नहीं खाया है खाना नहीं खाता है ऐसे ही रहता है ना बेटा खाना ही नहीं लगता है क्या ही लगता है म्यूजिक हां नूडल्स, नूडल्स? हाँ। अच्छा नूडल्स यम्मी लगता है और क्या यम्मी लगता है <laughs> क्या चीज से पेट भर गया खा खाना क्या खाना खाया एप्पल पेपर बॉल बॉल भी खाया हाँ। कितना गंदा लड़का है कृति तू क्या खाना खाई बेटा क्या खाई ये भी, हाँ? भी खाना था बोलो

और मयमक हां दूध अच्छा मिल्क बोल रहा है हाँ। हाँ। मिल्क अच्छा लगता है हां ओ प्रीति पे चॉकलेट चॉकलेट अच्छा हाँ। चॉकलेट डालते हैं तो दूध पीता है ये प्रीति हाँ। मैं वो खा दूँगा चॉकलेट और ले बोलो ना अपना दूध पीजिए ज्यादा फालतू दिमाग मत चलाइए क्रिस को तो सब कुछ आता है नहीं आ, आ, किससे बतियाया है किससे बतियाया है फूफा से नहीं बतियाया है हे भगवान फूफा क्या बोल रहे थे आएंगे आएंगे <laughs> दा बिल्कुल भी गंदा लड़का है कृति मेरी अच्छी है हटो चलिए दोस्तों गुड नाइट के साथ साथ अपना वीडियो भी <laughs> इंड करते हैं अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और जिन लोग नए लोग होंगे मेरे चैनल को जिस लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप अपनों के पास नोटिफिकेशन चला जाए ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन चलिए दोस्तों अब अपना वीडियो यहाँ इंड